नमस्कार साथियों, साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त 2022 कैसा रहेगा आज इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले निवेदन है, विनती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन के बटन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि बैल आइकन का जब आप बटन दबाएंगे तो जो भी हम अगली वीडियो पोस्ट करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर परंपरागत तरीके से तमाम तोड़ गए उपाय तो बताते ही बताते हैं, साथ ही साथ राशि ग्रह शुभ और अशुभ प्रभाव की जानकारी भी देते रहते हैं। चलो वीडियो शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले यह बता दें कि अगस्त माह में कौन कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 6 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में, वहीं 10 अगस्त को मंगल वृषभ राशि में और 17 अगस्त को रवि सिंह राशि में, 20 अगस्त को बुध अपनी राशि कन्या राशि में और 31 अगस्त को शुक्र का दूसरी बार राशि परिवर्तन होगा सिंह राशि में। ग्रहों की यह स्थितियां हैं और ग्रहों का यह राशि परिवर्तन क्या शुभ है क्या अशुभ है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल लग्नेश है और अष्टमेश है, लग्नेश है और षष्ठेश है। छठवें भाव पे राहु बैठा है, निश्चित मानकर चलें शत्रु पराजित होंगे, जीत हासिल होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी और आमदनी के तमाम स्रोत निर्माण करेगा। पांचवें भाव में बैठा हुआ गुरु भाग्य स्थान पे पंचम दृष्टि डाल रहा है, नए कार्य की शुरुआत कराएंगे, आनंद और उत्सव का वातावरण रहेगा, नवीन नवीन लोगों से बात होगी, मुलाकात होगी और कोई ना कोई जीवन में अच्छा रास्ता बनेगा। वहीं शुक्र भाग्य स्थान पर बैठे हैं और शुक्र की स्थिति देखें तो सप्तमेश है और वेश है, जहां एक और धन आएगा वहीं खर्चे में अधिकता भी रहेगी, तो फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। शनि मकर राशि में बैठे हैं, परिवार में आपस में कलेश करा सकते हैं, झगड़ा करा सकते हैं, विवाद करा सकते हैं, इसलिए किसी के फटे में पाए डालने की आपको जरूरत नहीं, किसी के वाद विवाद में बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो आप किसी को बीच बचाव में जाएंगे वो उस शत्रु को तो अपने छोड़ देगा, आप पर ही आक्रमण करेगा, ये सावधानी विशेष है। मंगल जो अष्टम भाव में वृषभ राशि में बैठे, सप्तम भाव में वृषभ राशि में बैठे हैं, मंगल का सप्तम भाव में वृषभ राशि में शुक्र की ही राशि में यानी बैठना निश्चित रूप से यहाँ पर मंगल दोष का निर्माण करता है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तकरार हो सकती है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मंगलवार को मारुति का दर्शन करें, अगर हनुमान चालीसा आता है तो जरूर पढ़ें, पठन करें, अगस्त माह में लाभ ही लाभ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।